रीवा में आई बाढ़ के समय हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको वहां के हालातों से रूबरू कराया था। बाढ़ खत्म होने के बाद यहां मदद अभियान चला। इस मदद की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पहुंची जिले के सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहां पूरी हकीकत खुद ब खुद सामने आ गई। उस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए और आप समझ जाएंगे पीड़ितों की कैसे मदद की जा रही है। हाँ, सर्वे नहीं किए, रोड रोड चले गए हैं सर, और इसके बाद जनता को बुलाते हैं अपने कमरे में। सर पैसे मांगते हैं हम, सर हम सब गरीब आदमी, सर पैसा कहाँ दे पाएंगे इनको। इसलिए पटवारी और अभी तक क्या सर्वे किया? पटवारी जितेंद्र सिंह हैं, यहीं पास के समीप के हैं, मतलब नौरिया के हैं सर। यूपी के तो अभी तक कुछ मदद मिली आप लोगों को? मदद सर सरपंच द्वारा हम लोगों को खाने पीने के लिए, पन्नी सन्नी रहने के लिए मिली सर, बाकी कोई मदद नहीं मिली। 16 तारीख को बाढ़ आई है, तो इन लोगों को, ये सब पूरे दलित के दलित हैं, आदिवासी हैं, इनका पूरा घर जो है 8 दिन डूबा हुआ था, तो शासन की तरफ से 50-50 किलो तो गल्ला मिल चुका है अभी इनको, लेकिन सरपंच द्वारा इनकी पूरी सहायता की गई। 8 दिन की लंगर वो चलाया था, वो पानी उनी, मतलब पूरा पानी पैकेज, पूरा सब कुछ खाना पीना का सब सरपंच द्वारा वितरित किया गया। और यहाँ जो सर्वे टीम में पटवारी और ग्राम सेवक विनोद सिंह, दोनों सामंतवादी हैं, दोनों का रिटायरमेंट जो है नजदीक है, तो शासन को पैसा जितना चाहते हैं कि हम कितना इनका पैसा लूट ले। आई यहाँ सर्वे करने तो मेरा घर गिरा हुआ था, बोले 4000 रुपए आप दो, 4000 रुपए आप दो तुम्हारा पूर्ण ध्वस्त में नाम चढ़ा देंगे। मैं बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे पैसे। सर्वे नहीं किया, चला गया सर। वो तो मतलब पैसा मांग रहा था, बोला कुछ पैसा दीजिए, नहीं आपका पक्का मकान है, सहज इतना गिरा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या नाम है पटवारी का? अब नाम तो हमको नहीं मालूम, लेकिन सिंह साहब कह रहे थे। हाँ। आप घर आए थे वो? हाँ, यहाँ बैठे कुछ खाए पिए, चाय नाश्ता किए, और क्या बोले? बोले कुछ पैसा दीजिए तभी लिखेंगे, नहीं आपको कुछ नहीं, कोई मतलब। मतलब तेज बाढ़ थी कि यहाँ आदमी का सामान नहीं निकाल पाए, सबसे बहुत सारा सामान दब गया, बहुत सारा नुकसान हुआ साहब। और अपने को सर शासन की तरफ से कोई अपने को अभी वो नहीं मिले साहब, हमारे चंदपुर के माननीय श्री दीपक जी द्विवेदी हैं सरपंच साहब, उनके जरिए अपने को राशन भी मिला साहब, तेल भी मिला, पन्नी मिली, उसमें रह रहे हैं सर। और ऊपर के पटवारी साहब आते हैं तो पटवारी साहब सर मतलब घोष मांग रहे हैं कि मतलब को रिश्वत दो, 5000 रुपए दो, तो मैं तुम्हारा काम आगे कर। यहाँ के पीड़ित परिवारों के लिए पन्नी अपने गाड़ी से करवाई थी, जो पन्नी का वितरण हुआ, और तहसीलदार महोदय राम बाबू देवांगन जी बहुत अच्छा प्रयास किए, उनके प्रयास से काफी अच्छा रहा। SDM मैडम भी धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु पटवारी हल्का कोटरा कला श्री जितेंद्र सिंह द्वारा, जो पनासी के वर्तमान में पदस्थ पनासी में है, अतिरिक्त प्रभार इनको कोटरा कला मिला है, उनके द्वारा लोगों को पीड़ित किया जाता है, और किसी से 2000, किसी से 2500, किसी से 3000 रुपए की मांग की जाती है। और इस स्थिति में सर्वे ठीक ढंग से, कई ऐसे परिवार है जिनको छोड़ दिया गया, हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत चनेला, चंदपुर, रेढ़ा, नौबस्ता और कैथी, इतने गांव अतिशय पीड़ित है, जहां पर 150 मकान करीब करीब ध्वस्त हो गए हैं और 200 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन स्थितियों पर उनसे कई बार निवेदन किया गया, तो उनके साथ तो परसों तो अपन ने कई लोग थे निवेदन किए, उनके द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करवाने का आवेदन भी थाने में दिया जाता है, तहसीलदार महोदय के यहाँ ज्ञापन भी दिया जाता है, और इतना वो प्रशासनिक दबाव बनाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि इनसे पैसा ना देने के कारण ऐसे इसी का आदिवासी बस्ती में करीब कहार और आदिवासी परिवार हैं जिनको छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति ही नवस्था में, ऐसी स्थिति चनेला में हुई है। ये पैसे के लिए किया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष से कोई? अब ये राजनीतिक और पैसे दोनों माना जा सकता है। अभी जो बाढ़ के अलावा अतिवृष्टि भी इसमें शामिल है, और बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो पूरे जिले में नुकसान हुआ, करीब 42,600 इसमें पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, और इनके लिए 41,39,00,000 राहत राशि शासन से प्राप्त हो चुकी है, और बहुत तेजी से तहसीलों में बिल लगने का काम चल रहा है। कल शाम तक 4 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंच चुका है, और 50 किलो गेहूं और 5 लीटर मिट्टी तेल भी, तो जिनके गाँव में घरों में पानी भरा था उनको है, जिनके मकान गिरे हैं और पानी भरा था उनके यहाँ, उनको इसमें 50 किलो गेहूं और 5 लीटर मिट्टी तेल भी दे रहे हैं, तो वो भी लगातार मिलता जा रहा है। रीवा शहर में ही लगभग ऐसे 15,000 परिवार हैं, जिनमें से 8 परिवारों को खाद्यान्न बढ़ चुकी हैं और बाकी को बटने का प्रक्रिया चल रही है, और साथ साथ राशन